Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी. सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस. कनाडा की माहौलियात की वजीर के खिलाफ नामुनासिब जुमले. एमपी ने अमल को खवातीन को सियासत से दूर करने की साजिश करार दे दिया. माहौलियाती कारकुन प्रीता ने जेस्पर नेशनल पार्क का दौरा किया. उन्हें साइंसदानों ने ग्लेशियर के पिघलने के हवाले से अहम मालूमात दी. कनाडा में मुनकसिम ओपोजिशन का फायदा अखिलेती हुकूमत को होगा. माहिरीन के मुताबिक नई हुकूमत रिवायती हुकूमत से मुख्तलिफ होगी. अलबत्ता हुकूमत का पहला बजट शदीद तनकीद का शिकार हो गया. अहम शहरों के मेयर्स ने बजट की मुखालफत कर दी. डेयरी फार्मर्स की अदायगी के लिए हुकूमत पर जोर देंगे. फोन सेवा ब्लांचे का कहना है कि अदायगियों की बरवक्त फराहमी ब्लॉक की तरजीह होगी. बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट में तातुल को खत्म करने के लिए 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया. दहशतगर्दों से सामना हुआ तो हमें उन्हें बर्बाद करने का हक होगा. तैयब उर्दगान कहते हैं, हमें अपने कुर्द भाइयों से कोई मसला नहीं. हमारा मसला शाम में दहशतगर्द तंजीमें हैं. लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग दूर दूर तक फैल गई. दर्जनों घर आग की जर्द में आ गए. हुकाम ने 50,000 अफराद को नकल मकाने की हिदायत कर दी. हेडलाइंस आपने जानी. खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद. Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं. स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस. ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स. आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं. स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो. और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में. पहली बार 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर दिया गया है. 200 अरब मालियत का एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स शरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में. मुल्की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट में 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर दिया गया. तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार 200 अरब मालियत के एनर्जी सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर दिया गया है. 200 अरब मालियत का एनर्जी सुकूक बॉन्ड शरिया कम्प्लाइंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. SECP के मुताबिक एनर्जी सुकूक 10 साल की मुद्दत के लिए इजारे की बुनियाद पर जारी किया गया है. SECP का कहना है कि 200 अरब का सुकूक मलकती कंपनी पावर होल्डिंग लिमिटेड की जानिब से किया गया है. पेशकश में मालियाती इदारे मुल्की और गैर मुल्की अफराद बराए रास्त सरमायाकारी करेंगे. सुकूक के इजरा का मकसद तवानाई के शोबे में सरमाए की फराहमी है. वाज रहे कि पाकिस्तान कारोबार करने के लिए आसानियां फराहम करने वाले 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है. मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना था कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में कारोबारी आसानियों के लिए इकदामात को सराहा.
कुछ बात करेंगे ओटावा सेंटर की। एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया है कि रातों रात कैथरीन मैकना के इंतखाबी दफ्तर के सामने वाली खिड़की पर किसी ने बेहुदा नारे लिख दिए, वो खवातीन को सियासत से दूर करने की कोशिश में नाकाम हो गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओटावा सेंटर के एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया है कि रातों रात कैथरीन मैकना के इंतखाबी दफ्तर के सामने वाली खिड़की पर किसी ने बेहुदा नारे लिख दिए, वो खवातीन को सियासत से दूर करने की कोशिश में नाकाम हो गया है। अमले को जुमेरात के सुबह वेस्ट बोरो में रिचमंड रोड पर वाकई दफ्तर के सामने की खिड़की पर मैकना के चेहरे की एक बड़ी तस्वीर पर सुर्ख स्प्रे पेंट से गैर अखलाकी नारा लिखे जाने का मालूम हुआ, जिसकी पुलिस को इतला दे दी गई। मैकना का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरे पास ये बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है कि ये किस तरह का शख्स करेगा, ये ट्विटर पर ट्रोल की तरह ही है, उसे रोकने की जरूरत है। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर मैकना ने गुज़िश्ता माह कैनेडियन प्रेस को बताया कि वो 2015 के इंतखाबात से ही ऑनलाइन और हकीकी जिंदगी में धमकियों और गैर अखलाकी पोस्ट का सामना कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस वाकये के बाद वो सियासत में दोबारा हिस्सा लेने के लिए फैसले पर नजरसानी करेंगी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हकीकत में इससे ये बात वाजे हो जाती है कि सियासत में जाना क्यों इतना जरूरी है। कुछ लोग वाजे तौर पर खवातीन को सियासत से दूर करना चाहते हैं, इससे सियासत को मजीद बेहतर नहीं होने दिया जाएगा। आबोहवा की तब्दीली के कारकुन ग्रीता टॉमबर्ग ने अल्बर्टा के जेस्पर नेशनल पार्क में रवा हफ्ते बर्फ के हवाले से तहकीक करने वाले साइंसदानों से ग्लेशियर से मुतालिक अहम चीजें सीखी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आबोहवा की तब्दीली की कारकुन ग्रीता टॉमबर्ग ने अल्बर्टा के जेस्पर नेशनल पार्क में रवा हफ्ते बर्फ के हवाले से तहकीक करने वाले साइंसदानों से ग्लेशियर से मुतालिक अहम चीजें सीखी। अपने ट्वीट में ग्रीता ने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन के साइंसदान जॉन पोमरो ने और कैनेडा की महरे माहौलियात ब्रेंडा शेफर्ड का जेस्पर नेशनल पार्क में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से आगाही देने पर शुक्रिया अदा किया। पोमरोय का इस हवाले से कहना था कि ग्रेटा एक बहादुर लड़की है जिसने अक्टूबर में बर्फ से ढके ग्लेशियर का दौरा किया। पोमरो ने उन्हें बताया कि 1800 की दहाई के आखिर से ग्लेशियर किस तरह 2 किलोमीटर पीछे हट गया था और पिछले चंद अशरों में उसने कई मीटर की मोटाई को कैसे खोया है। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं माहिरीन का कहना है कि हिजब इख्तलाफ की जमातों की नजरियाती तकसीम से लिबरल मजीद मजबूत होंगे। माहिरीन ने चंद अवामिल की निशानदही की है जहां उन्हें मदद मिल सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डू और डाई वोटों से लेकर हिजब इख्तलाफ की अक्सरियत वाली कमेटियों तक 43वीं पार्लियामेंट अकलियती हुकूमत के तहत मुख्तलिफ अंदाज में काम करने जा रही है। ताहम माहिरीन का कहना है कि हिजब इख्तलाफ की जमातों की नजरियाती तकसीम से लिबरल मजीद मजबूत होंगे। माहिरीन ने चंद अवामिल की निशानदही की है जहाँ उन्हें मदद मिल सकती है या उन्हें धचका लग सकता है। उन्हें हुकूमत में सरकारी कारोबारी इदारों के हर इस शोबे में काम करने की जरूरत होगी जिसमें वो आगे बढ़ने के ख्वाह हैं। पीटर वेलनोन जो कि कंजर्वेटिव के हाउस लीडर के तौर पर अक्लियती और अक्सरियती हुकूमत में जिम्मेदारियां सरंजाम दे चुके हैं, उनका कहना है कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म पहले ही मखलूत हुकूमत के इम्कानात को मुस्तरद कर चुके हैं। ताहम उन्हें इस बात का फायदा हासिल है कि ओपोजिशन नजरियाती तौर पर तकसीम है। उनका कहना है कि मुनकसिम पार्लियामेंट के सबब इस हुकूमत की उम्र 4 साल तक हो सकती है, ताहम अक्लियती हुकूमतें आम तौर पर 2 साल ही चल पाती हैं। अल्बर्टा से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं अल्बर्टा यूसीपी के पहले सूबाई बजट के रद्द अमल और मुजम्मत में तेजी आई। टैक्स हिंदगान असाजा और दो मेयरों की नुमाइंदगी करने वाले ग्रुप्स ने कहा कि ये कम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जुमेरात के रोज अल्बर्टा यूसीपी के पहले सूबाई बजट के रद्द अमल और मुजम्मत में तेजी आई। टैक्स हिंदगान असाजा और दो मेयरों की नुमाइंदगी करने वाले ग्रुप्स ने कहा कि ये कम है। एडमॉन्टन के मेयर डॉन एवेसन ने कहा है कि बजट टूटे हुए वादों से भरा हुआ है। बजट की तफसीलात सुनने के फौरन बाद उन्होंने हॉलैंड का दौरा मनसूख कर दिया। एवेसन ने अपनी परवास मनसूख करने के बाद एडमॉन्टन बैन अक्वामी हवाई अड्डे पर सहाफियों को बताया कि एडमॉन्टन के मेयर की हैसियत से और एडमॉन्टेनियंस की जानब से मैं ये देख कर मायूस हूँ। कैलगरी के मेयर नाहिद नैंची ने एवेसन के तबसरों की बाजगश की और इस वादे की तरफ इशारा किया जो यूसीपी की कैलगरी में इंतखाबात से पहले किए गए थे। उनका कहना था कि यूसीपी ने वादा खिलाफी की है और वो अपने तवील मुद्दती मौशी ढांचे का एहतराम नहीं कर रहे जिसकी बिना पर कैलगेरियंस ने उन्हें वोट दिए थे। नैंची ने कहा कि मौजूदा माली फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर पहले ही 40% फंड में कटौती करने के बावजूद कैलगरी और एडमॉन्टन दोनों के फंड में मजीद 9% कमी कर सकते हैं। कुछ बात करेंगे, ब्लॉक क्यूबिको के रहनुमा फोंसवा ब्लांचे का कहना है कि नई हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो डेयरी फार्म्स के लिए इमदाद की फरहमी का वादा करे जब हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास दोबारा शुरू होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ब्लॉक क्यूबे को रहनुमा फॉन्सवा ब्लांचे का कहना है कि नई हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वो डेयरी फॉर्म्स के लिए इमदाद की फरहमी का वादा करे जब हाउस ऑफ कॉमन्स का इजलास दोबारा शुरू होगा। इंतखाबात से कबल लिबरल हुकूमत ने डेयरी प्रोड्यूसर्स को 1.75 बिलियन डॉलर मुआवजा मुख्तस किया। ये रकम 2,000 तजारती माहदों से माली नुकसान को पूरा करने में मदद फराहम करने वाली थी, जिसने घरेलू मार्केटों को मजीद मुसाफत के लिए खोला। 8 साल मनसूबे के तहत साल के आखिर तक $345 मिलियन खर्च किए जाने थे, जबकि दूध देने वाली 80 गायें रखने वाले किसान को तकरीबन जनवरी से $28,000 की अदायगी मुतवक्के थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तवक्को की है कि नवंबर या दिसंबर में पार्लियामेंट का नया इजलास होगा। उसके पेश नजर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 20 नवंबर को नई काबीना में हल्फ उठाने के मनसूबों का ऐलान किया था। इंतखाबात के बाद अपनी पार्टी के पहले हाउस इजलास से खिताब करते हुए ब्लांचे ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना कि अदायगियों की बरवक्त फराहमी ब्लॉक की तरजीह होगी। बरतानवी वजीर आजम ने तवक्को जाहिर की है कि यूरोपीय यूनियन ब्रेग्जिट में ताखीर की इजाजत देगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट में तातुल को खत्म करने के लिए 12 दिसंबर को आम इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ने तवक्को जाहिर की है कि यूरोपीय यूनियन ब्रेग्जिट में ताखीर की इजाजत देगी। उन्होंने 12 दिसंबर को इलेक्शन के लिए आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने और लेबर पार्टी से उसकी हिमायत करने का मुतालबा किया। लेबर पार्टी ने कहा कि वो सिर्फ इस सूरत में नए इंतखाबात की हिमायत करेंगे जब यकीन दहानी कराई जाए कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से बगैर वादे के अलग नहीं किया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने अमरीका पर वाज़ेह किया कि आलमी रहनुमा दहशतगर्दों के साथ बैठेंगे तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग होगी। हमें अपने कुर्द भाइयों से कोई मसला नहीं, हमारा मसला शाम में दहशतगर्द तंजीमें है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि अगर अमरीका से तहरीरी यकीन दहानी के बाद भी हमारा दहशतगर्दों से सामना हुआ तो हमें उन्हें बर्बाद करने का हक होगा। तफसीलात के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने अमरीका पर वाज़ेह किया कि आलमी रहनुमा दहशतगर्दों के साथ बैठेंगे तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग होगी। हमें अपने कुर्द भाइयों से कोई मसला नहीं, हमारा मसला शाम में दहशतगर्द तंजीमें है। रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि शामी मुहाजरीन के लिए यूरोप के दरवाजे वक्त आने पर खुलेंगे। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ अपने शामी भाइयों को वापसी का रास्ता भी फराहम कर रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि अगर कुर्दों ने रूस से मुहादे पर अमल ना किया तो तुर्की शुमाली शाम में अपना मंसूबा नाफिज कर देगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर आए तमाम पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाबंदियां उठाने का फैसला तुर्की और शाम में सीज फायर पर किया गया है। अगर सीज फायर को बरकरार नहीं रखा गया तो अमरीका फिर से पाबंदियां लगा देगा। इससे कबल अमरीकी सदर ने ट्वीट के जरिए कहा था कि तुर्की और शाम की सरहद पर हमें बड़ी कामयाबी मिली है, सेफ जोन बन चुका है। उन्होंने तुर्की और शाम के दरमियान जंगबंदी पर खुशी का इजहार किया और लिखा कि जंगबंदी हो चुकी है और लड़ाई खत्म हो गई है। कुछ बात करेंगे लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग ने दर्जनों घरों को लपेट में ले लिया, जिससे 5,000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया। आग की वजह से करीबी हाईवे और कई सड़कों को बंद करना पड़ा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लॉस एंजलिस में जंगलात में लगी आग रिहायशी इलाके तक फैल गई। 50,000 अफराद को नकल मकाने की हिदायत कर दी गई। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग रिहायशी इलाके तक फैल गई। दर्जनों घर आग की जर्द में आ गए, जिसके सबब हुक्काम ने 50,000 अफराद को नकल मकाने की हिदायत कर दी। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग ने दर्जनों घरों को लपेट में ले लिया, जिससे 5,000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया। आग की वजह से करीबी हाईवे और कई सड़कों को बंद करना पड़ा। हुक्काम ने 50,000 अफराद नकल मकाने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू अहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।